हेलो दोस्तों कैसे हो सब आप फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं विकी वसानी में आपका स्वागत करता हूं आज हम बात करेंगे गर्मा गर्म टेक न्यूज के बारे में तो चलो शुरू करते हैं सो so दोस्तों सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है अगर आप स्विगी या जोमोटो से ऑर्डर करते हो तो ड्रोन के साथ आपके घर पर डिलीवरी होगी जी हाँ आपका पार्सल ड्रोन के साथ आएगा डीजीसीए ने परमिशन दे, दे चुका है आप टेस्ट ट्रायल ड्रोन यूज कर सकते हो लेकिन परमिशन नहीं मिला लेकिन कुछ शहरों में इसका अगर चालू हो जाता है तो दोस्तों दूसरी न्यूज कर आ रही है वो थोड़ी सीरियस से अगर आप वीवो के स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो प्लीज थोड़ा जरा संभल कर क्योंकि वीवो के 13000 स्मार्टफोन में सेम टू सेम निकले है दोस्तों इट्स ए वेरी सिक्योरिटी इश्यू थोड़ा संभल कर क्योंकि पुलिस ने तो चार बीसी का दावा भी ठोक दिया है दोस्तों ये थोड़ा सा गंभीर मामला है कि 13,500 स्मार्टफोन में आई एम ई आई नंबर सेम टू सेम निकला है तो दोस्तों अगर व्यवो का स्मार्टफोन यूज करते हो तो थोड़ा संभल जाइए दोस्तों अगली खबर निकलकर आ रही वो जियो की तरफ से है एक नया दिन एक नया इन्वेस्टमेंट जियो में सिल्वर लेक ने साढ़े चार हजार करोड़ डाल दी है इससे पहले भी सिल्वर लेक ने नौ से दस हजार करोड़ रुपए जियो में इन्वेस्ट किए थे शांत में, इन्वेस्टमेंट जियो में हुए है उसकी तकरीबन कीमत है नाइनटी टू थाउजेंड करोड़ रुपीज देखते है जियो इन पैसे से क्या करता है और एक नजर भी डालते हैं कौन कौन इन्वेस्टर है और कितना कितना उसने इसमें इन्वेस्ट किया है तो यह है उसकी लिस्ट दोस्तों अगली न्यूज निकल कर आ रही है वो अमेज फिट की तरफ से अमेज फिट ने अपना जबरदस्त स्मार्ट वॉच टीरेक्स लॉन्च कर दिया है रगेड डिजाइन के साथ उसकी कीमत तकरीबन दस हजार रुपए है और रगेड डिजाइन को 12 मिलिट्री सर्टिफिकेट मिल चुके हैं अगर आपको स्मार्ट वॉन्च पसंद है तो एमेजन पर यह स्मार्ट वॉच लॉन्च हुए है तो आप जाके उसे परचेस कर सकते हो काफी शानदार डिजाइन के साथ आए काफी शानदार नए फीचर के साथ आइए तो यह है फिट की रगेट टीरेक्स स्मार्ट वॉच दोस्तों अगली खबर निकलकर आ रही है वो ओप्पो की तरफ से ओप्पो ने अपने दो नए स्मार्टफोन कल ही चाइना में लॉन्च कर दिए है रेनो फोर प्रो और रेनो फोर रेनो फोर प्रो फो की कीमत चालीस हजार रुपए और रेनो फोर की कीमत है तीस हजार रुपए दोनों में एक ही तरह का प्रोसेसर यूज किया गया है स्नैपड्रैगन का सेवन और ओप्पो ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि जल्द से जल्द ये फोन इंडिया में लॉन्च हो गए लेकिन आपको नहीं लगता कि चालीस और तीस हजार रुपए सेवन के कुछ ज्यादा नहीं है देखते हैं इंडिया में कौन सी प्राइस में फोन लॉन्च होते हैं दोस्तों अगली खबर है वो रेडमी ब्रांड की तरफ से रेडमी अपना नया स्मार्टफोन रेडमी 9 जल्दी इंडिया में लॉन्च कर सकता है ये दो वेरिएंट में आएगा थ्री जीबी रैम थर्टी जीबी स्टोरेज के साथ और फोर जीबी रैम सिक्सटी स्टोरेज के साथ

थर्टी टू वोट की फास्ट चार्जिंग वाली पावर बैंक लॉन्च करने वाला है इसके पहले उसकी पावर बैंक थी वो 18 वोट की थी। लेकिन इस बार थर्टी टू वोट की फास्ट चार्जिंग वाली करने वाला है अच्छी लगी है यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे गुड बाय टेक केयर